स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एसजी फूड वर्ल्ड में। आज हम लाए हैं आपके लिए मूंगलेट की रेसिपी। मूंगलेट मतलब मूंग की दाल का ऑमलेट। जो भी वेजिटेरियंस हैं वो ऑमलेट नहीं खा पाते हैं, तो उनके लिए ये रेसिपी बहुत ही स्पेशल है। इस रेसिपी की शुरुआत करने से पहले आइए दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल बटन प्रेस करें लेटेस्ट अपडेट्स एंड नोटिफिकेशन के लिए। तो आइए शुरू करते हैं। तो मम्मी, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए इस रेसिपी को बनाने के लिए? इसके लिए हमने 1.25 कटोरी मूंग की धुली दाल ली है, जो कि हमने रात को 4-5 घंटे भिगो ली है। इसका पानी हमने ड्रेन कर दिया है। 100 ग्राम हमने पनीर लिया है, इसे भी हमने कस लिया है। 3 हमने मीडियम साइज़ के छोटे प्याज लिए हैं, जो कि हमने चॉप कर लिए हैं। 1 कप हमने बेसन लिया है। 1 छोटी साइज़ की शिमला मिर्च ली है, जो हमने चॉप कर ली है। थोड़ा सा हमने हरा धनिया लिया है, इसे भी हमने चॉप कर लिया है। 3 टीस्पून हमने राइस फ्लोर लिया है, जिसे मूंगलेट बहुत ही क्रिस्पी बन जाते हैं। इंग्रेडिएंट्स हमारे सारे रेडी हैं, तो चलिए बनाते हैं मूंगलेट की पेस्ट। अब हमें ये जो मूंग की दाल है, ये हमें मिक्सी में डालनी है और इसे पीसनी है। अब इसके हमने अंदर 1/4 टीस्पून हींग डाली है। 1 चम्मच हम इसमें जीरा डालते हैं, जो कि बहुत ही पौष्टिक होता है और खाने में बहुत ही इसका टेस्ट अच्छा आता है मूंगलेट्स में। अब हमें इसे मिक्सी में पीसना है। अब ये हमारी दाल पिस गई है। अब इसमें हमने जो ये बेसन लिया है वो हम इसमें डाल देंगे। इसको बेसन डाल के इसको भी हमें इसके संग एक बार ग्राइंड करना है। और इसमें हमने 1 कप पानी लिया हुआ है, जो हमें थोड़ा थोड़ा करके इसमें डाल के ग्राइंड करना है। अब हमारा ये पेस्ट तैयार है। इसमें हमने पूरा 1 कप पानी डाल दिया है। अब हम इसे एक बड़े बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। जिसको चटपटा पसंद हो वो क्या डाल सकता है? और इसमें हरी मिर्च वगैरह भी डाल सकते हो। हम ज़रा तीखा कम खाते हैं, इसलिए मैंने हरी मिर्च इसमें नहीं डाली है। अब इसमें हम ये सारे चॉप करे हुए सामान डाल देंगे। कटा हुआ शिमला मिर्च, ये ग्रेट करा हुआ पनीर, चॉप करी हुई ओनियन और ये राइस फ्लोर, इन सबको हम मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें मसाले डालेंगे। 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 3/4 सॉल्ट, 1/2 चम्मच लाल मिर्च, 1/4 गरम मसाला। अब हम इसमें हरा धनिया भी डाल देंगे। मिक्स कर लेंगे अच्छे से। हाँ, अच्छे से हम इसे मिक्स कर लेंगे, ताकि सारे एक जैसा सा मिक्सचर हमारा रेडी हो जाए। अब बेटा, इसमें आप गैस ऑन कर दो, जिससे हमारा फ्राई पैन थोड़ा सा गर्म हो जाए। मीडियम पे रखना है या हाई पे? अभी शुरू में तो हमें इसे हाई पे रखना है, फिर जब हम मूंगलेट इस पे डालेंगे तो हमें लो फ्लेम करनी है। अब आप जैसे देख रहे हो कि हमारा मिक्सचर थोड़ा सा गाढ़ा है, अब हम इसमें थोड़ा सा पानी मिलाएंगे, जिससे हमारा मूंगलेट आराम से फैल जाए। इसकी कैसी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए मम्मी? इसकी मीडियम तरीके की होनी चाहिए, ना तो बहुत पतली और ना बहुत गाढ़ी। मतलब जब हम यूँ उस पर डालें तो आराम से ऐसे डल जाइए। जब हम फ्राई पैन में से फैलाएं तो मतलब इसे बहना नहीं चाहिए हमारा। अब ये हमारा पेस्ट रेडी है, अब हम इसे फ्राई पैन में डालेंगे। और पैन हमारा गर्म हो चुका है, फ्लेम को लो कर देंगे। अब आगे क्या करना है मम्मी? अब इसको हमें फ्राई पैन में 1 चम्मच भर के डालना है, थोड़ा सा और डालना है, मतलब 1.5 करछी। 1.5 करछी बस, ऐसे हल्के हल्के हाथ से इसको करछी को हमारे को फैलाना है। और फिर इसमें हमने
चारों तरफ घी घेर देना है। मैं यहाँ पे घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। घी से एक अलग ही टेस्ट आता है मूंगलेट्स में, जो कि बहुत ही टेस्टी लगता है। आप इसके लिए बटर भी यूज़ कर सकते हैं, बटर भी यूज़ कर सकते हैं, ऑयल भी यूज़ करते हैं, लेकिन घी का एक अपना ही एक अलग टेस्ट होता है। अब हम इसे हल्के हल्के हाथ से हमें ये मूंगलेट उठाना है। ये देखना है कि सिक गया है तो हमें इसे पलट देना है। ये बहुत ही हेल्दी क्रिस्पी है, खाने में तो ये बहुत ही टेस्टी लगता है। थोड़ा सा हमें इसमें ज़्यादा घी का यूज़ करना है, उसी से ये बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। कितनी देर लगेगी मम्मी इसको रेडी होने में? होने वाला है हमारा रेडी। फ्लेम को मीडियम रखना है या लो? फ्लेम लो करना है, जिससे ये अंदर तक हमारा सिक जाए। और इसे हमें हल्के हल्के हाथ से ऐसे प्रेशर करना है, ताकि इसके अंदर की जो वेजिटेबल्स वगैरह हैं वो सब सिक जाएं। तो मतलब हमें फ्लेम लो टू मीडियम रखनी है। इसके कलर से ही हमें ये पता चल जाएगा कि हमारा मूंगलेट सिक गया है। बहुत ही अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। बिल्कुल रेडी है ये मूंगलेट, देखिए कितना अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। अब हम इसे, हमारा ये मूंगलेट जो है, हम इसे प्लेट में ट्रांसफ़र कर देंगे। रेडी है मूंगलेट, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और शेयर कीजिएगा मेरे साथ सजेशंस एंड कमेंट्स। मिलूंगी ऐसी ही और मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।